स्मॉल सेल लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो यूजुअली 4 स्टेज में पाया जाता है, फास्ट ग्रो करता है और ह्यूमंस में ऑलमोस्ट सबसे रैपिडली ग्रोइंग कैंसर में से एक है। पर क्या आप जानते हैं कि इस कैंसर की फील्ड भी रैपिडली डेवलप हो रही है और न्यू ट्रीटमेंट से लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पॉसिबल है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो हमारे चैनल पर कंडक्टर पिछले पॉल में एक नारो विनर था स्मॉल सेल लंग कैंसर, एंड इनफैक्ट आई वॉज सरप्राइज कि एक रेयर कैंसर में भी लोगों को इतना इंटरेस्ट है। तो हमने डिसाइड किया कि लोगों के विशेष को फॉलो करके यही कैंसर पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज हम स्मॉल सेल के लंग कैंसर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि नंबर 1, स्मॉल सेल लंग कैंसर क्या होता है। नंबर 2, स्मॉल सेल लंग कैंसर के स्टेज क्या होता है, स्टेज कैसे पता किया जाता है। नंबर 3, स्मॉल सेल लंग कैंसर को ट्रीटमेंट करने के क्या तरीके है। और नंबर 4, स्मॉल सेल लंग कैंसर में सर्वाइवल कितना है, यानी कि स्मॉल सेल लंग कैंसर का पेशेंट कितने साल जीता है। तो आइए सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉर्ट करें। तो नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि स्मॉल सेल लंग कैंसर का क्या मतलब है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि लंग कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, जबकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के लंग कैंसर होते हैं। ग्रॉसली हम लंग कैंसर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। इसमें नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर लगभग 85% पेशेंट होते हैं और स्मॉल सेल लंग कैंसर सिर्फ 10-15% पेशेंट होते हैं। नॉन स्मॉल सेल की अलग कैटेगरी सब कैटेगरी होते हैं, जैसे स्क्वामस सेल, एडिनोकार्सिनोमा, लार्ज सेल एक्सेट्रा, जो कि हमने अपने नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर वाले वीडियो में डिस्कस किया है, जो कि आप स्क्रीन पर डिस्प्ले लिंक से फॉलो कर सकते हैं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्मॉल सेल लंग कैंसर को स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इन सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे हम बायोप्सी के अंदर देखते हैं तो एक फास्ट डिवाइडिंग और वेरी स्मॉल साइज सेल्स का कलेक्शन दिखता है, और इस रीजन से इसको स्मॉल सेल बोला जाता है। ये बहुत ही अग्रेसिव कैंसर है, बहुत फास्ट स्प्रेडिंग कैंसर है, वेरी कॉमनली ब्रेन में फैलता है और 90% से ज्यादा केस में सिर्फ स्मोकर्स में होता है, यानी नॉन स्मोकर में स्मॉल सेल लंग कैंसर होना वेरी अनकॉमन है। तो नंबर 2, ये कैंसर को डायग्नोज कैसे किया जाता है। तो यूजली दोस्तों, कैंसर स्मॉल सेल लंग कैंसर वाला पेशेंट खांसी, छाती में दर्द, मुंह से खून आना, सांस फूलना और चेहरे की सूजन जैसी कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट करता है, और यूजली एक्सरे पे फिर देखा जाता है कि लंग में कोई मास है। यूजली इसके बाद वेरियस प्रोसीजर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बायोप्सी और स्कैन, जैसे CT स्कैन, MRI या PET स्कैन किया जाता है, ये देखने के लिए कि ट्यूमर किस सब टाइप का है और कहां कहां फैला हुआ है। स्मॉल सेल लंग कैंसर में मेनली 2 स्टेज होते हैं। नंबर 1 स्टेज को हम बोलते हैं अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज मतलब बॉडी में जितना भी ट्यूमर है सिर्फ आधी छाती के अंदर है और कहीं पे भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि पेशेंट को लिवर में ट्यूमर है, ब्रेन में ट्यूमर है या हड्डी में ट्यूमर है तो ये अर्ली स्टेज नहीं कहलाएगा। यदि आदमी को 3-4 गांठे एक ही फेफड़े में है तो वो अर्ली स्टेज कहलाता है। दूसरा स्टेज को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव स्टेज। तो पिछले स्टेज को हम बोलते हैं अर्ली स्टेज या लिमिटेड स्टेज, और दूसरे स्टेज को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव स्टेज या मेटास्टेटिक स्टेज। और ये स्टेज का मतलब है कि ट्यूमर आधे छाती से निकलकर कहीं भी फैल चुका है। तो फॉर एग्जाम्पल, यदि दूसरे लंग में, हार्ट में, ब्रेन में, लिवर में, एड्रिनल में, बोन में इत्यादि ट्यूमर फैल चुका है तो इसको एक्सटेंसिव स्टेज यानी फैला हुआ स्मॉल सेल लंग कैंसर बोलते हैं। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि लगभग 2/3 पेशेंट एक्सटेंसिव स्टेज में पकड़े जाते हैं और करीबन 1/3 पेशेंट अर्ली स्टेज में पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में जरूर होगा वो ये है कि इन पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों, स्मॉल सेल लंग कैंसर एक ऐसा ट्यूमर है जिसमें हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हुआ है। इनफैक्ट अंटिल रिसेंटली, यदि हम पिछले 2 साल छोड़ दें तो 30 साल से इस कैंसर का ट्रीटमेंट चेंज नहीं हुआ है, और वही दवाइयां और वही ड्रग्स और वही ट्रीटमेंट मोडालिटी लास्ट 30 ईयर से इस ट्यूमर में यूज करती आई जा रही है। परंतु मॉडर्न रिसर्च से इस ट्यूमर की फील्ड बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, स्पेशली इम्यूनोथेरेपी इस ट्यूमर में बहुत रैपिडली अपना स्पॉट या अपना निशान बना रही है, और इस समय पेशेंट्स को अपफ्रंट इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट किया जाता है बेटर आउटकम के लिए। तो ये एक रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है, और हालांकि ये वाला वीडियो 2021 के हिसाब से बनाया गया है। मुझे पता है कि विद इन 1 ईयर मुझे इस टॉपिक पर नया वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर 3 से 6 महीने ये फील्ड रैपिडली चेंज हो रही है। तो जो भी मैं इस वीडियो में बोलता हूं इसको आप फ्यूचर प्रूफ ना समझे, इस फील्ड में रैपिड एवोल्यूशन हो रहा है। तो दोस्तों, स्मॉल सेल लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में मेनली 4 मोडालिटी यूज की जाती है। दीज आर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी,
इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी, तो चारों थेरेपीज के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो दोस्तों कीमोथेरेपी ऐसी थेरेपी है जिसको वो कुछ दवाइयां होती है जो बॉडी में इंजेक्ट की जाती है जिससे फास्ट ग्रोइंग सेल जैसे कैंसर सेल्स की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों स्मॉल सेल लंग कैंसर में हिस्टोरिकली कीमोथेरेपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि एक बहुत फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स जिनको स्मॉल सेल लंग कैंसर है उन्हें कीमोथेरेपी लेनी ही पड़ेगी क्योंकि अदरवाइज ये फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर रैपिडली वाइटल ऑर्गन जैसे लिवर ब्रेन इत्यादि में फैल के पेशेंट की डेथ कॉज कर देता है। इसलिए कीमोथेरेपी इस ट्यूमर की ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात क्या है कि इसमें काम यूजुअली लाइट कीमोथेरेपी यूज होती है क्योंकि मेजोरिटी इस कैंसर के पेशेंट ओल्ड होते हैं जिनमें हैवी कीमोथेरेपी नहीं दे सकते। सेकेंड ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है रेडियोथेरेपी। तो दोस्तों रेडियोथेरेपी का मतलब होता है इनविजिबल बीम्स ऑफ एनर्जी से बॉडी के बाहर से ट्यूमर को खत्म करना। तो रेडियोथेरेपी का मेनली दो यूजेस इस कैंसर में होता है। नंबर वन, जो कैंसर को कीमोथेरेपी से छोटा या कंट्रोल कर दिया जाता है उसे रेडियोथेरेपी से एलिमिनेट कर दिया जाता है ताकि कैंसर ठीक हो सके, और दूसरा कुछ वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन में लो डोज रेडिएशन से ट्यूमर का आने को प्रिवेंट कर सकते हैं जिसको प्रोफिलैक्टिक रेडिएशन भी बोलते हैं। तो इन दो मोडालिटीज की वजह से रेडिएशन इस कैंसर में एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का तरीका है। नंबर तीन टेक्नोलॉजी जो स्मॉल सेल लंग कैंसर में यूज होती है उसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो दोस्तों इम्यूनोथेरेपी के बारे में हमारे चैनल पर अन्य वीडियो भी है जो फॉलो कर सकते हैं, बट ब्रीफली इम्यूनोथेरेपी कुछ दवाइयां और टेक्नोलॉजी है जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्यूमर सेल को पहचान पाता है और उसको अटैक करके खत्म कर देता है। तो दोस्तों स्मॉल सेल लंग कैंसर में लास्ट 2 या 3 साल में नई एडवांसमेंट यही है कि इम्यूनोथेरेपी का देखा गया है कि इस कैंसर में काफी बेनिफिट है। इम्यूनोथेरेपी को स्मॉल सेल लंग कैंसर में दो तरीके से यूज किया जा सकता है। नंबर वन, जब पेशेंट का शुरू से इलाज हो रहा है उसी टाइम साथ में इम्यूनोथेरेपी देके ट्रीटमेंट का बेनिफिट बढ़ाया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि जिन पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी मिलती है उनमें से करीब 15% पेशेंट ऐसे हो गए जिसमें बीमारी वापस नहीं आएगी और पेशेंट को ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म कंट्रोल मिल सकता है विच इज इक्विवेलेंट टू क्योर। तो ये एक इंपॉर्टेंट नई एडवांसमेंट इस कैंसर में है जो बीमारी को ठीक कर सकती है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो पेशेंट में कीमोथेरेपी फेल हो चुकी है उसमें वेरियस इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स का रोल आया है जो बीमारी को कंट्रोल भी कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। तो अगेन इम्यूनोथेरेपी इज एन इंपॉर्टेंट मोडालिटी फॉर पेशेंट हू फेल क्लासिक मोडालिटी लाइक कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। तो इसलिए इस कैंसर में इस थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छी चीज क्या है कि इम्यूनोथेरेपी से पेशेंट की बॉडी को ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं होते और काफी इफेक्टिव कैंसर का ट्रीटमेंट भी साथ में उससे किया जा सकता है। फोर्थ टेक्नोलॉजी जो कि स्मॉल सेल लंग कैंसर में आ रही है उसको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। तो दोस्तों टारगेटेड थेरेपी कई टाइप की है। कुछ टारगेटेड थेरेपी इंडिया में अवेलेबल है, कुछ टारगेटेड थेरेपी वेस्ट में अवेलेबल है, कुछ रिसर्च स्टेज में और डेवलप की जा रही है। बट देखा गया है कि स्मॉल सेल लंग कैंसर के सेल्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जिनको वेरियस टारगेटेड ड्रग से खत्म किया जा सकता है, या फिर स्मॉल सेल लंग कैंसर जिस मिल्यू में रहते हैं उसके आसपास का ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करने के लिए कुछ स्पेशल तरह के ड्रग है जो ट्यूमर का ग्रोथ को ब्लड सप्लाई ब्लॉक करके प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इनको एंटी ट्यूमर टारगेटेड थेरेपी और एंटी एंजियोजेनिक टारगेटेड थेरेपी रिस्पेक्टिवली कहा जाता है, और इन ट्रीटमेंट्स का यूजेज मोस्टली कीमोथेरेपी के बाद किया जाता है ताकि बीमारी कंट्रोल में रहे। तो गौरतलब है कि एंटी ट्यूमर टारगेटेड थेरेपीज फॉर स्मॉल सेल लंग कैंसर एज ऑफ टुडे यानी दिसंबर 2020 इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हालांकि वेस्ट में थेरेपीज को डेवलप कर दिया गया है और ओवर टाइम ये हमारी कंट्री में आने के लिए एक्सपेक्टेड है। वाइल एंटी एंजियोजेनिक टारगेटेड थेरेपी ऑलरेडी हमारी कंट्री में अवेलेबल है और इस ट्यूमर को कंट्रोल में रखने के लिए इन थेरेपीज का यूज किया जा सकता है। मेन एडवांटेज अगेन ऑफ दीज थेरेपीज आर इनका रिलेटिवली स्पेसिफिक इफेक्ट ट्यूमर सेल पे होता है, इसलिए इनमें ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते और यूजुअली दे आर क्वाइट वेल टॉलरेटेड। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि स्मॉल सेल लंग कैंसर का सर्वाइवल क्या है। तो दोस्तों फ्रेंकली ये एक बहुत ही खराब और बहुत फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर है जिसका इस समय सर्वाइवल आउटकम बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इस समय जो यदि हम एवरेजेस की बात करें तो जो अर्ली स्टेज यानी लिमिटेड स्टेज स्मॉल सेल लंग कैंसर है उसका एवरेज सर्वाइवल 1.5 से 2 साल माना जाता है, और जो एडवांस स्टेज है उसका एवरेज सर्वाइवल 1 से 1.5 साल माना जाता है। परंतु ये ऐसे नंबर्स है जो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। जो सर्वाइवल 2 साल पहले था वो सर्वाइवल आज नहीं है, और जो सर्वाइवल आज है वो 1 या 2 साल बाद नहीं रहेगा। न्यू रिसर्च से ये सर्वाइवल के नंबर कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। ऑल्सो जैसे कि मैंने पहले बोला कि एवरेज इज जस्ट एन एवरेज, हमेशा एक सबसेट ऑफ पेशेंट रहेगा जिनमें लॉन्ग टर्म
सर्वाइवल या क्योर भी पॉसिबल है. तो विद बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट यू विल हैव अ गुड सेट ऑफ पेशेंट्स, मे बी 20-30% ऑफ पेशेंट्स जिनमें बीमारी लॉन्ग टर्म के लिए दब जाएगी और बीमारी वापस नहीं आएगी. इसलिए इट मेक सेंस टू ट्रीट सब पेशेंट को उस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि उन्हें मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट मिले विद मिनिमम साइड इफेक्ट्स. और एंड द रिजल्ट विल बी कुछ पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें बीमारी चले जाएगी और लंबे समय तक वापस नहीं आएगी. तो इसीलिए ऑल कैंसर पेशेंट इंक्लूडिंग जिनको ये बीमारी है उनको अपनी बीमारी के रिगार्डिंग ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि बीमारी का इलाज करने का फायदा नहीं है. इट मे बी दैट यू विल बी दैट परसेंटेज ऑफ पेशेंट जिसमें बीमारी खत्म हो जाए और वापस ना आए. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. ये स्मॉल सेल लंग कैंसर का टॉपिक हमने आज इसलिए पिक किया क्योंकि हमारे लास्ट पॉल में ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ पेशेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया कि हम इसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं. यदि आपको भी कैंसर के टॉपिक में और उसके ट्रीटमेंट के लेटेस्ट और मॉडर्न इलाज में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगले पॉल में भी वोट करें ताकि आपको भी मौका मिले कि आप नेक्स्ट वीडियो चूज कर सके. यदि आपको इस वीडियो में कोई क्वेश्चन या डाउट है जो आपको समझ नहीं आया है जो मैंने कवर नहीं किया, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमें अपने रिपोर्ट्स और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम का मैं खुद सोल्यूशन दूं. तो दोस्तों स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड थैंक्स अ लॉट.